पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मैं बोलूँ क्या वन इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का इंटीरियर पॉइंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट तभी होगा जब वन को सेंटर मानकर हम किसी भी रेडियस का ऐसा स्फीयर खींच सकें जो उस वन को अपने अंदर कंटेन करता हो, खुद इसी n के अंदर कंटेन होता हो। यही तो है कहानी। ऐसा हो पाया क्या? नहीं। इसका मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। किसी भी सेट के इंटीरियर सेट को, जैसे जितने भी पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट उस सेट के इंटीरियर पॉइंट होंगे, उसके सेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं ए नॉट करके, या लिख देते हैं इंटीरियर INTA, है ना, या ऐसे लिख देते हैं INTA, इंटीरियर ऑफ ए। बस भाई मैं आपसे पूछूं इंटीरियर ऑफ एन या INTN ये कितना होगा? 5 होगा। क्या होगा यह? क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट, इसका भाई इसमें कौन से पॉइंट आएंगे, किसी भी सेट के इंटीरियर सेट में कौन से पॉइंट आएंगे? इसमें उस सेट के वे पॉइंट आएंगे, है ना, क्या जी? ठीक है ना, इसमें उस सेट के वे पॉइंट आएंगे जो उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, जो उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। बस भाई इसलिए सेट ऑफ इंटीरियर, जो इंटीरियर सेट ऑफ एन होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दोनों का कनेक्शन पता होना चाहिए। अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो वह पॉइंट भी उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। अगर मैं इंटीरियर के रूप में बोलूँ तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। समझ में आ रही है? क्लियर है ना? सेट ऑफ होल नंबर का इंटीरियर सेट में कितने पॉइंट आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे, 5। ठीक है ना? सेट ऑफ इंटीजर के इंटीरियर सेट में कितने पॉइंट? 5। कोई पॉइंट इसका नहीं। सेट ऑफ रेशनल है ना, 5। इरेशनल का 5। सेट ऑफ रियल पूरा वही आएगा, पूरा ना आएगा, हर एक पॉइंट। सेट ऑफ रियल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। इसको मैं उल्टा बोलूं तो सेट ऑफ रियल का हर एक पॉइंट सेट ऑफ रियल का इंटीरियर पॉइंट होता है। तो सेट ऑफ रियल का हर एक पॉइंट इंटीरियर सेट में जाएगा, तो सेट ऑफ रियल का जो इंटीरियर सेट होगा वो खुद वही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? खुद वही होगा, ये आप याद रहे कि, है ना। इसी प्रकार से मैं बोलूं अगर ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए भी है तो इंटीरियर ऑफ ए कितना होगा? ओपन इंटरवल ए का मापी भी होगा, खाली ए भी नहीं होगा और सब होंगे तो ओपन इंटरवल ए का मापी है ना। आप ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख दूं ए और इंटीरियर ऑफ ए, अगर ए आपका क्लोज इंटरवल ए भी है तो इसका इंटीरियर सेट ओपन इंटरवल ए भी आया, खाली ए भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और सब होगा, है ना। अगर इसका ए इक्वल टू यह है तब भी यही होगा, सब पॉइंट होंगे। अगर ऐसा है तब भी यही होगा, अगर ऐसा है तब भी यही होगा। क्लियर है? आप देखिए कहानी, इंटरवल किसी भी तरह का हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ओपन या क्लोज, कुछ भी हो, है ना, उसका जो इंटीरियर सेट होगा वो हमेशा ओपन होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, है ना। तो अब आप बता सकते हैं ना इस तरीके से कि कौन सा सेट हमारा जो है अपने पॉइंट का नेबरहुड है, कि और है तो कितने पॉइंट का नेबरहुड है, है ना। इसी प्रकार से कौन से सेट के कौन से पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, कितने पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हैं, है ना, और नहीं है तो क्यों नहीं है, सब कुछ चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। कंडीशन आपका यही कंडीशन है। मैं समझ आ रही है? अब इसी प्रकार से अगला आपका होता है ओपन सेट। अभी मैं इसको करा के भी इसको लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक और बहुत विशेष टॉपिक इसमें बताऊंगा, इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट, लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बातें करेंगे। वो और ज़बरदस्त है, उसमें और दिमाग लगाना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये सब कुछ समझे रहेंगे तो एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट XD कोई मैट्रिक स्पेस है ना। अब कोई सेट ए जो एक एक्स का सबसेट ही होगा, वो जो ए है उसको ओपन सेट कब कहेंगे? ए इज सेट टू बी ओपन सेट इफ फॉर एवरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ फॉर एवरी एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एवरी
ए के हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ फॉर एवरी, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन ए। मतलब कोई सेट को हम ओपन सेट तब कहेंगे जब उस सेट का हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, उस सेट का कोई भी पॉइंट हम लें, मतलब हर एक पॉइंट की बात हो रही है, कोई भी पॉइंट हम अगर लें तो एक ऐसा स्फीयर हमें मिल जाए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो, खुद उसे के अंदर क्या होता हो, कंटेन होता हो, तब उस ए को पर्टिकुलर उस ए को हम बोलेंगे ओपन सेट। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कोई सेट ओपन सेट कब होता है, जब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब इसको ऐसे समझो, कोई सेट जो है ओपन सेट कब होता है, जब अपने हर एक पॉइंट का नेबर, वैसे डिफरेंस दे सकते हैं कि एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस ए इज सेट टू बी ओपन इफ ए इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ए अपने हर एक पॉइंट में क्या हो, नेबरहुड हो। इसी प्रकार से इंटीरियर के रूप में भी दे सकते हैं, बस समझ में आ रही है कि अगर एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ए को आपको ओपन सेट बोलना है, तो ईच पॉइंट ऑफ ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। मतलब ए का हर एक पॉइंट उस कैपिटल ए का क्या हो, इंटीरियर पॉइंट। अगर ऐसा होता है देन ए इज सेट टू बी ओपन, बस समझ में आ रही है। और देखो ऐसे भी देख सकते हो, है ना, जब कोई भी सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है तो उसका इंटीरियर सेट उसी के बराबर आता है। देखो किसी भी सेट का जब हर एक पॉइंट, जैसे देखो इस ओपन इंटरवल का हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो उसका जो इंटीरियर सेट है वो उसी के बराबर आया है। अब इस सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसलिए उसका इंटीरियर सेट उससे बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब हम ऐसे ही दे सकते हैं कि एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस ए इज सेट टू बी ओपन इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, जिस सेट का इंटीरियर सेट उसी के बराबर आएगा ऐसा सेट ओपन होगा, उसी सेट का इंटीरियर सेट उसके बराबर आएगा जिस सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, उसी सेट का इंटीरियर सेट उसके बराबर आएगा जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो ये सब कुछ बातें घुमा फिरा के कैसे भी करनी हो आपको आ जानी चाहिए आसानी से, और सब एक दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि कहानी यही है, बस बोलना है, कान पकड़ना है, जब इधर से पकड़ लिया, इधर से ऐसे पकड़ेंगे तो इंटीरियर पॉइंट, ऐसे जाएंगे तो आप नेबरहुड, और पर्टिकुलर जब इसी की बात करेंगे आप तो ओपन सेट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या ओपन सेट है? नहीं सर। तो सब यही सब टीका मानने के लिए आएगा, है ना, सेट दे देगा, बोलेगा ओपन सेट है, नहीं है, या क्लोज्ड है, ऐसा करके दे देगा, बस समझ आ रही है ना। तो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है क्या वो ओपन सेट है? नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर ओपन सेट है क्या? नहीं है। सेट ऑफ रेशनल ओपन सेट है क्या? नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल ओपन सेट है क्या? नहीं है। सेट ऑफ रियल ओपन सेट है क्या? हाँ, सेट ऑफ रियल ओपन सेट है। क्लोज इंटरवल ए भी ओपन सेट है क्या? नहीं है। सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन ओपन सेट है क्या? नहीं है। लेकिन ओपन इंटरवल ओपन सेट है क्या? है। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, एकदम फिक्स ये स्टेटमेंट है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। अब इसी को एक लाइन और बढ़ा के मॉडिफाई करता हूँ, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। क्योंकि ओपन स्फीयर होता है क्या यूजुअल मैट्रिक स्पेस के केस में? ओपन इंटरवल है तो होता है। ओपन स्फीयर इन द केस ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस ओपन इंटरवल ही होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, इसका मतलब कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। और रिटर्न के लिए सबसे धांसू, सबसे बेस्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, 100%, है ना, बार बार आता है ये क्वेश्चन, एकदम ये थियरम बार बार आता है रिटर्न एग्जाम में, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ठीक है, सबसे इस पूरे मैट्रिक स्पेस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई थियरम तो यही है, एवरी ओपन स्फीयर। मैं इसको भी कराऊंगा, आपको प्रूफ भी कराऊंगा, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ठीक है ना, तो कैसे चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो आप देख रहे हैं अभी कभी कभी किताबों में देखेंगे ना, तो प्रूफ करने के लिए भी आता है कि प्रूफ कीजिए कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल, इफ ए इज ओपन देन सो डैट, या देन प्रूफ डैट इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो हम जान ही गए कि अगर कोई सेट ओपन होता है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर आता है, तो सब कुछ जान गए, बस इसको आप लैंग्वेज देके इसको प्रूफ कर देना है चीज़ों को, है ना। फाई, फाई इज एन ओपन सेट, एकदम भूले ना, फाई इज एन ओपन सेट। मैंने सिर्फ बोल दिया कि फाई अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड, फाई का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। उसी तरह से हम ये भी बोलेंगे कि जब ऐसा है तो फाई इज एन ओपन सेट, फाई क्लोज सेट भी होता है। फाई एंड आर ये दोनों बहुत विशेष हैं, फाई और आर बोथ आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, दोनों आर भी, ये ओपन भी है। अभी मैं क्लोज्ड के बारे में भी अब बातें विशेष रूप से करूँगा, तो आप देखेंगे ओपन भी है और क्या है, क्लोज्ड भी है। ठीक है ना, फाई और आर इन दोनों की खासियत है, फाई एंड आर बोथ आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ठीक है, आर तो साफ साफ दिखेगा
आपको साफ साफ दिखेगा है ना, लेकिन फाइ दिखेगा नहीं, लेकिन आपको लेके चलना है उसको, ठीक है, उसको समझ के, खाली समझ के चलना है कि हाँ ये ऐसा होता है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है उसको, ऐसी तरीके से लेके चलेंगे। क्लियर है ना आपको? चलिए इसको लिखवा दें, नहीं तो चार लोग सो जाएंगे, क्या निशान है ना, जागते रहो भैया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या भवानी इनको, आपको भी नींद आ रहा था? ठीक है, हंस रहे हैं, नींद आ रहा था। चलिए ठीक, हाँ पढ़ाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं आप लोग ना, व्यक्ति रिलैक्स होता तभी नींद आती है ना। हाँ चलिए लिखिए, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। हाँ अभी मैं कई तरीके से लिखा देता हूँ ना, अब एक किताबी भाषा लिखाता हूँ, फिर जो समझें उससे लिख देंगे, फिर बोलेंगे अपने से लिख दिए, लिख दीजिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन, आपने अगर इंटीरियर पॉइंट समझा है ना, तो आप नेबरहुड को इंटीरियर पॉइंट के टर्म में भी दिखा सकते हैं, नेबरहुड को आप इंटीरियर पॉइंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, बस हमारी है। अब भाई जिस नेबरहुड बोलना है, एन को ए का नेबरहुड बोलना है या एक्स का नेबरहुड बोलना है, तो हम बोल देंगे कि एक्स ए का एन का इंटीरियर पॉइंट है, बस हमारी। ने क्या बोला, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन जीरो then the set small x belongs to capital X such that dxa is less than r, ठीक है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, dxa is less than r, वही जो ओपन स्पेस का डिफिनेशन है भैया, वही चीज है, अगर ऐसा सेट, then the set is called neighborhood of a is called नेबरहुड ऑफ ए विथ रेडियस स्मॉल आर, नेबरहुड ऑफ ए विथ रेडियस स्मॉल आर, विथ रेडियस स्मॉल आर, द नेबरहुड ऑफ ए इज डिनोटेड बाई, द नेबरहुड ऑफ ए इज डिनोटेड बाई एन ए आर, एन से दिखाते हैं, एन ए आर, आर एन आर ए, The neighborhood of A is denoted by N A R R N R A. ठीक है, The neighborhood of A is denoted by N A R R N R A. ऐसे डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट के नेबरहुड को, ठीक है ना, ये चीज़ तो ये उस ऐसे डिफाइन हो गया। आर करके लिखिए आप, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस and let capital A and let capital A capital A be any subset of be any subset of capital X capital A be any subset of capital X हो गया capital X and let small x belongs to capital A and let small x belongs to capital A, then capital A is said to be, then capital A is said to be neighborhood, then capital A is said to be neighborhood, हो गया, capital A is said to be neighborhood, NBD, neighborhood of small x, if there exists an open sphere, If there exists an open sphere SRX, if there exists an open sphere SRX, such that, ये लिखेंगे, such that, yeah, X belongs to SRX is contained in capital A, such that small x belongs to SRX is contained in A, हो गया, क्लियर है ना एकदम, है ना, कि कोई भी सेट लेते हैं वह सेट अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड है कि नहीं है यह पता करने के लिए हमें यह देखना होगा कि उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई ओपन स्पेयर क्या ऐसा मिल पा रहा है जो उस पॉइंट को कंटेन करे और खुद उस सेट के अंदर कंटेन करे, अगर मिल पा रहा है देन दैट सेट इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, क्लियर है, हाँ जी बताएं, ए थाना, है ए थाना,
क्या बोले ये ना बोले हैं स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स ये तो लिखे हैं लेकिन स्मॉल एक्स बिलोंग टू ए तो बोले हैं गणित नहीं ध्यान है हो गया ठीक है ना। चलिए अब आते हैं फॉर एग्जांपल। चलिए फॉर एग्जांपल है ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए चलिए ध्यान दीजिए अब एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं यहाँ पे तो देखो x इज इक्वल टू r इन द केस ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस x इज इक्वल टू r ठीक है ना। और डी एक्स वाई आप जानते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस केस में मॉड x माइनस का y होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर है। अब चलिए अब एग्जांपल लीजिए वन बाई वन। चलो ए की बात करते हैं, लिख कर लेते हैं ए इज इक्वल टू कैपिटल एन। बासनवारी ने ए इज इक्वल क्या कर दिया कैपिटल ठीक नेचुरल नंबर जिसमें कौन से फाइव पॉइंट हैं 1 2 3 4 ऐसा इस तरीके से है ना। इसको डिटेल में चलते हैं। अब लेट कर लेते हैं स्मॉल वन, स्मॉल वन नहीं भैया वन स्मॉल वन क्या होता है बिलोंग्स टू कैपिटल एन वन बिलोंग्स एक पॉइंट स्पेस में लेते हैं वन बिलोंग्स टू कैपिटल एन ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से अब ऐसे केस में